मैडम, तो आज देखो हम लोग जो समझने वाले हैं कि कल हमने जो समझा था स्पीकर रिंगर माइक के बारे में समझा था कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर माइक रिंगर काम करना बंद कर देता है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों जो समझेंगे वो हैंड फ्री के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? हैंड फ्री। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में से हैंड फ्री का सिंबल बन करके आता है, क्या बन के आ जाता है? हैंड फ्री का सिंबल बन करके आता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर जो हेडफोन का लाइन होता है उस हेडफोन का लाइन को हम लोग कैसे चेक करेंगे उसका तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। अगर मोबाइल फोन में हैंड फ्री का सिंबल बन करके आ जाता तो फोन में यह दिक्कत आती कि स्पीकर माइक रिंगर काम करना बंद कर देता है। इससे मोबाइल फोन में यह भी दिक्कत आती कि जैसे आप किसी भी नंबर पर कॉल मिलाते हो, क्या करते हो, किसी भी नंबर पर फोन मिलाते हो या किसी को फोन करते हो तो आपकी आवाज ना तो आती है ना तो जाती है, ये सब चीजें बंद हो जाती है। यदि आप मोबाइल फोन को लाउड स्पीकर मोड में कर देते हो तो आना जाना चालू हो जाती है क्योंकि उस मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, बहुत ऐसे मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिस मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल नहीं भी बन के आता है, क्या होता है? हेडफोन का सिंबल नहीं बन के आता है। अगर उस मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके नहीं आएगा तो आपके मोबाइल फोन में क्या होगा? हेडफोन तो बना रहेगा, मतलब हेडफोन की प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन उसमें सिंबल ही छपके नहीं आता क्योंकि उसमें हेडफोन लगा तो पकड़ लेगा लेकिन उसका सिंबल नहीं आता। अब इसके लाइन को कैसे चेक करेंगे उसका तरीका हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे जो हमारा हैंड फ्री जैक होता है, नहीं वो भी बंद हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है हेडफोन लगा के बात होती रहती है, हैंड फ्री चलता रहता है। ये लिखा हैंड फ्री माइक, ये लिखा हैंड फ्री राइट, जो राइट वाले स्पीकर होता है, ये लिखा था हैंड फ्री डिटेक्शन, ये लिखा हैंड फ्री लेफ्ट। लेफ्ट राइट स्पीकर होते हैं जिससे हमारी आवाज आती है, माइक होता है जिससे हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है, और डिटेक्शन पिन होती है जिससे हमारे मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल बन करके आता है, क्या बन करके आता है? हेडफोन का सिंबल बन करके आता है। जैसे मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आता है तो आपके मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर माइक जितनी सारी चीजें होती हैं सारी चीजें काम करना चालू हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आपके मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आता है, क्या बन करके आता है? हेडफोन का सिंबल बन करके आता है। जैसे मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आएगा तो हेडफोन का सिंबल बन करके आने का मतलब होता है मोबाइल फोन में से स्पीकर माइक रिंगर काम करना क्या होता है? बंद कर देता है, ना तो मोबाइल फोन में स्पीकर काम करेगा, ना तो मोबाइल फोन में रिंगर काम करेगा, ना तो मोबाइल फोन में माइक काम करेगा, तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। अगर तीनों चीजें बंद हो जाएंगी तो हम लोग उसके लिए हमारे हैंड फ्री जो डिटेक्शन पिन होती है ये डिटेक्शन पिन खराब हो जाती है, डिटेक्शन पिन शॉर्ट हो जाती है, डिटेक्शन पिन ब्रेक हो जाती है, जिस कारण से आपके मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल बन करके आता है। जब आपके फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आएगा तो स्पीकर रिंगर माइक सब बंद हो जाएगा, आवाज आना जाना बंद हो जाएगा, तो हम लोग इस सर्किट को क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। मोस्टली कई बार ऐसा भी देखा गया कि हैंड फ्री जो सर्किट होता है वो हमारा नीचे यूआई पे भी लगा होता है। किस पे लगा होता है? यूआई पे लगा होता है, या तो मदरबोर्ड में ऊपर ही लगा होता है। जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन अगर आप देखेंगे तो हेडफोन जैक जो लगा होता है वो हमारा कहाँ लगा हुआ है? ऊपर मदरबोर्ड में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? जब मदरबोर्ड में लगा तो हैंड फ्री का जो सर्किट है वो कहाँ पर है? मदरबोर्ड में ऊपर ही है। फिर मैं कोई दूसरा मदरबोर्ड देखता हूँ, जैसे ये मैंने फोन देखा, इस मोबाइल फोन के अंदर ये बोर्ड दिया हुआ है हैंड फ्री के लिए, हमारा नीचे लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जब हेडफोन के लिए नीचे दिया हुआ है तो हेडफोन का जो कनेक्शन है कहाँ दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है, तो नीचे वाले यूआई पे दिया हुआ है। अच्छा, जिसमें यूआई में दिया होता है उसमें आसान तरीका ये होता है कि आप पूरा यूआई का यूआई चेंज कर सकते हैं तो भी आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यूआई में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं सब उसी में लगे होते हैं, आपका सर्किट पूरा क्या हो जाता है? ओके हो जाता है। हाँ, डिटेक्शन लाइन की वजह से खराबी हो जाती है, तो डिटेक्शन लाइन खराब होने की वजह से आपके मोबाइल फोन में से हेडफोन चलना बंद हो जाता है, या हेडफोन पकड़ना छोड़ देता है, या हेडफोन का मोबाइल फोन में सिंबल आना बंद हो जाता है। वो इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि डिटेक्शन लाइन क्या हो जाती है? तुम्हारी खराब हो जाती है। आपके बोर्ड में क्या नहीं आ रहा है? हाँ, आपके मोबाइल फोन में ऐसा है कि हेडफोन का लाइन खत्म हो गया है, तो उसके लिए हमारा वो या तो ब्लूटूथ वाला हेडफोन काम करता है या तो फिर उसमें टाइप सी केबल होता है। क्या होता है?
टाइप सी केबल होता है, जो टाइप सी केबल होता है उसी टाइप सी केबल में ही हेडफोन सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, उस टाइप सी पे ही हेडफोन कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हो। अगर आप मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आती है तो बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस मोबाइल फोन में तो हेडफोन का सिंबल नहीं बन के आता डिटेक्शन, जैसे हेडफोन लगा दिया वो हेडफोन का सिंबल बताता ही नहीं है, लेकिन जबकि वो प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने से वो सिंबल मोबाइल फोन में क्या हो जाता है, आ जाता है, सिंबल क्या होता है बन जाता है, लेकिन वो हिडन हो रहता है, हिडन का मतलब होता दिखाई नहीं देता, अपने मन से पकड़ रहता है। इसको एक बार बना लीजिए फिर मैं समझाता हूँ पूरे चेक करने का तरीका। अरे पाए कीपैड हो चाहे एंड्रॉइड हो जाता है, उस मोबाइल फोन में यदि हेडफोन का सिंबल बन करके आता है तो सबसे पहली बात क्या करिए, आप मोबाइल फोन खोलिए, हैंड फ्री जैक जो होता है जो मोबाइल फोन के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो हैंड फ्री जैक लगा होता है, इस हैंड फ्री जैक को क्या करिए, पहले साफ करिए, क्या करिए, साफ करिए। इसमें होता क्या, इसमें कार्बन आ जाता है, क्या जाता है, कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने की वजह से क्या होता है कि मोबाइल फोन में से वो हेडफोन की पिन आपस में टच हो जाती है तो सिंबल बन के आ जाता है। तो आप क्या करिए, मोबाइल फोन को हैंड फ्री जैक को क्या करिए, साफ सुफ करिए। जैसे आप हेडफोन को साफ करेंगे, साफ करने के बाद जितने भी सारी पिने में कार्बन आ जाता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे, जैसे मॉइस्चर वगैरह होगा तो जल जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हैंड फ्री जैक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। हैंड फ्री जैक चेंज करने का मतलब होता है कि अगर हैंड फ्री जैक डैमेज हो जाता है या हैंड फ्री के पिने आपस में क्या हो जाती है, मतलब मिल जाती है, तो हम लोग साफ सुफ करने से ठीक हो जाता है, नहीं तो हैंड फ्री जैक को चेंज कर दीजिए। चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या तो मोबाइल फोन में नीचे यूआई लगा होता है, क्या लगा होता है, हैंड फ्री के लिए यूआई लगा होता है। अगर यूआई लगा होता है तो पूरा यूआई का यूआई ही चेंज कर देंगे। बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें से टाइप सी का जैक लगा होता है, कौन सा लगा होता है भैया, टाइप सी का जैक लगा होता है, जो टाइप सी का जैक होता है वही हेडफोन का भी काम करता है। या तो अगर वो लाइन शॉर्ट हो जाती है, या टाइप सी में जो यूएसबी की लाइनें होती है वो हैंड फ्री में यूज होती है, किसमें यूज होती है, क्योंकि इसमें दो मोड में चलता है, या तो यूएसबी मोड में चलता है या तो उसमें से यूएसबी मोड में हैंड फ्री भी सिलेक्शन होता है। तो अगर वो आप सिमेटिक के माध्यम से देख भी सकते हैं लाइनों को, अगर वो खराब हो जाता है तो हम लोग पूरा टाइप सी का जैक चेंज कर देते हैं या तो नीचे का हैंड फ्री का जैक चेंज कर देते हैं। अगर उसके बावजूद भी हमारे मोबाइल फोन में समस्या सॉल्व नहीं होती तो फिर हमको हैंड फ्री जैक के सर्किट को चेक करना पड़ रहा है। जैक चेंज कर दिया, यूआई चेंज कर दिया, साफ सुफ कर दिया, हटा दिया, नया लगा दिया, फिर भी नहीं सही हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन पर हमारे मोबाइल फोन में सिर्फ एक ही लाइन में भैया समस्या आती है, वो होती है हैंड फ्री के डिटेक्शन लाइन। कौन सा लाइन होती है, हैंड फ्री का डिटेक्शन लाइन। बाकी जितने सारी लाइनें होती हैं उनका हेडफोन तो सिंबल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, डिटेक्शन लाइन को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल फोन में से डिटेक्शन लाइन खराब हो जाएगी तो डिटेक्शन लाइन खराब होने से या डिटेक्शन लाइन ब्रेक होने से या डिटेक्शन लाइन शॉर्ट होने से आपके मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आती है कि मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल बन करके आने लगता है। जब आपके मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आने लगता है तो आप मोबाइल फोन में डिटेक्शन जैक को चेंज करने के बाद भी नहीं सोचते, डिटेक्शन लाइन को चेक करेंगे। डिटेक्शन लाइन में होता क्या है दोस्तों, डिटेक्शन लाइन पे जो सप्लाई जाती है वो यहाँ से होते हुए डायोड पे जाती है। कहाँ पे जाती है, डायोड पे होने के बाद फिर हमारे कहाँ पे जाती है, कैपेसिटर पे जाती है। कैपेसिटर पे जाने के बाद फिर हमारी सप्लाई के रजिस्टर पे जाती है। ये रजिस्टर 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है। अगर कल को ये खराब हो जाता है तो आप इस पे जम्पर भी मार सकते हैं, जिससे आपका लाइन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फोन सप्लाई नहीं चालू होता तो यहाँ तो सप्लाई होने के बाद फिर हमारी सप्लाई जाती है 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। 47 किलो ओम का क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। हाँ, इससे कम भी हो सकता है, कई बार यहाँ पर 20 किलो ओम का भी लगा हो सकता है, मतलब थोड़ा हाई वैल्यू के ही लगे होते हैं। 23 किलो ओम का भी हो सकता है, 33 किलो ओम का भी हो सकता है, मतलब ऐसे ही 20 से लेकर 47 किलो ओम के बीच में लगा होता है। ज्यादातर 90% जो रहता है 20 किलो ओम का मिलेगा या तो 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कल को खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तो भी हमारे मोबाइल फोन में से हेडफोन पकड़ना छोड़ देता है, हेडफोन का सिंबल आता है। अच्छा, ऐसे सिचुएशन पर दोस्तों आपको ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में होता क्या कि यहाँ से जो हमारे वोल्टेज आते हैं हेडफोन के लिए वोल्टेज आते हैं, तब आप मोबाइल फोन में हेडफोन घुसरते हैं। आपने देखा होगा हेडफोन को जब आप पूरा घुसर देते हो तभी सिंबल आता है। तो पूरा घुसरने का मतलब होता है पहला और आखिरी का पिन कुछ आपस में जाकर के शॉर्ट मारता है। जैसे पहला आखिरी पिन आपस में शॉर्ट मारता है तो पहला आखिरी पिन आपस में शॉर्ट करने से आपके मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल बनता है।
ये आपके मोबाइल फोन में पहला आखिरी पिन आपस में अलग अलग होने से भी मोबाइल फोन में सिंबल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन पर, ये जो हमारा हैंड फ्री जाएगा इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बावजूद भी हमारे मोबाइल फोन में समस्या आती है तो हम लोग हैंड फ्री जैक के सर्किट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमारा हेडफोन का सर्किट खराब हो जाता है जिसके कारण से आपके मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल आता है, तो इस सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बाकी पिनों में अगर कोई खराबी आ जाती है तो माइक काम करना बंद कर देगा, लेफ्ट वाला स्पीकर बजना बंद हो जाएगा, राइट वाला स्पीकर बंद हो जाएगा। अगर ऐसा समस्या आता है तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। हाँ, टाइप सी में पता जाता है, जो यूएसबी की लाइनें होती है वही काम करती हैं। आप देखिए, मैं तुमको हैंड फ्री का सर्किट जो है, मैं इसके माध्यम से तुमको एक बार वॉच कराता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ, डिटेक्शन लाइन ज्यादातर मोस्टली आखिरी वाली ही होती है। डिटेक्शन लाइन जो होती है वो हमेशा लास्ट की होती है। नहीं, कोई वैल्यू पे कंफर्म नहीं होता है, वैल्यू आया नहीं, आती ही नहीं भी आती, ऐसा भी होता है। नहीं भी आती, भी कर सकता है। हाँ, एनसी पे कुछ नहीं होता। देखो जब इसमें दिखाई दे रहा ना विजुअल दिखा रही, हाँ मोबाइल फोन सोल्यूशन में जाने के बाद हम लोग Xiaomi पे गए। जैसे मेरे पास Redmi 5 मोबाइल फोन रखा है, मैं Redmi 5 ही मोबाइल फोन का तुमको दिखाता हूँ। हमको हैंड फ्री का लाइन देखना है, हम हैंड फ्री पे ले गए। ये देखो, आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बार देखो, ये सप्लाई की पिने लिखी है। देखो इधर लिखो जरा, सब लोग पहले इसके नीचे ये लिखो जरा। ये जो यहाँ से लिखा यहाँ तक लिखा सब लिख डालो। ये चारों तुम्हारे ट्रैक हैं, एक माइक का ट्रैक, डिटेक्शन का ट्रैक, लेफ्ट और राइट का ट्रैक है। हाँ, सप्लाई लाइन ट्रैक, ऐसे नाम लिख लेंगे। अब देखो सर, ये हमारे मोबाइल फोन में ये तुम्हारा हेडफोन जैक लगा है, क्या लगा है? हमको इस रेड वाली लाइन को चेक करना है। ये रेड वाली लाइन हमारी काहे की लाइन है? डिटेक्शन लाइन है। क्या लाइन है? अगर आप इसमें से देखेंगे तो ये डिटेक्शन लाइन आखिरी वाली है। ये तुम्हारी ग्राउंड होती है। क्या होती है? जब आप हेडफोन ऐसे आप उधेड़ते हो तो ये पहला पिन और आखिरी पिन आपस में शॉर्ट होता है। क्या होता है? हाँ, पहला आखिरी शॉर्ट होता है। तो जैसे मान लिया ग्राउंड है, तो ग्राउंड का ये वाला पॉइंट क्या होगा? डिटेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर जो 5 है, पिन नंबर 5 की लाइन में आगे देखो एक डायोड लगा है। क्या लगा है? ये सप्लाई यहाँ से चली, ये डायोड लगा, ये डायोड तुम्हारा एक तरफ सप्लाई आएगी, दूसरी तरफ ग्राउंड होगा, पैरेलल में लगा है। क्या लगा है? उसके बाद फिर सप्लाई के आगे एक रेजिस्टेंस लगा, ये देखो 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कितना लगा है?
अगर कल को 20 किलोमीटर का रजिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल आना चालू हो जाएगा या इसके वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से भी आ जाएगा। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो तुमको 20 किलोमीटर का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे मदरबोर्ड से उतार के लगाना पड़ेगा। नहीं जम्पर नहीं लगेगा, 20 किलोमीटर का है। अब देखो ये सप्लाई पे सीधे, उसके बाद पावर आईसी पे आ रही है। कहाँ पर आ रही है? पावर आईसी पे आ रही है, मतलब सिर्फ इसके लाइन में इसको सर्किट को चलाने के लिए सिर्फ दो चीजें लगी, एक डायोड लगा, दूसरा क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखो रेजिस्टेंस लगा यहाँ पर, देखो इधर ये तुम्हारा हेडफोन जैक है, हेडफोन जैक के नीचे देखो दो डायोड लगे हैं, डायोड के नीचे रेजिस्टेंस लगा है। अगर कल कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो जिसके कारण से आपके मोबाइल फोन में हेडफोन की समस्या आएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। अब बाकी जितने सारी पिने होती हैं वो हेडफोन सप्लाई के लिए होती हैं, वो पकड़ने के लिए नहीं होती है। अगर कल को तुम्हारा डायोड शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो डायोड शॉर्ट होने की वजह से भी आपके फोन में प्रॉब्लम आएगी कि हेडफोन लगाओ चाहे न लगाओ सिंबल बन के आ जाएगा। ऐसा तब हो जाता है कि जैसे आपके मोबाइल फोन में यहाँ पर क्या लगा होता है, ये आपका क्या लगा है, हेडफोन जैक लगा है, क्या लगा है, जैक लगा है। जब आप जैक लगाएंगे तो जैक के लाइन में इस लाइन को क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब आप शॉर्ट करेंगे तभी आपके मोबाइल फोन में सिंबल आएगा। हाँ मोस्टली ग्राउंड से पता चल जाता है, ग्राउंड से जो सामने वाला लाइन होता है आखिरी का वो डिटेक्शन लाइन होता है, क्योंकि ग्राउंड से उसको शॉर्ट करना होता है। क्या कह रहे हो? हाँ तो ऐसा भी हो जाता है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ये जैक को हटा दीजिए, जैक हटाने से सिंबल हट जाता है। फिर भी दिक्कत आती है तो आपको चिमटी लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चिमटी का एक नक्का ग्राउंड पर लगा लीजिए, दूसरा नक्का एक एक करके सब पे ट्राई करेंगे, जिससे नक्के को ट्राई करेंगे तो उसे हेडफोन को सिंबल आएगा जाएगा आएगा जाएगा। अगर जिस पिन से टच करने से आएगा जाएगा तो उसी पिन को उठा के ग्राउंड पे जम्पर मार देंगे तो वो हेडफोन हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। कई बार अगर ऐसा नहीं होता, डिसेबल नहीं होता, तो आपको इसमें से देखना होता डिटेक्शन पिन कौन सी, जैसे ये वाले डिटेक्शन पिन है, तो इस डिटेक्शन पिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज देने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज देने पड़ेंगे। जब आप वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज देने से भी डिटेक्शन लाइन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आप देखो इसमें वोल्टेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली ज्यादातर हम लोग करते हैं कि बैटरी में एक पिन को वी बैट की प्लस पे लगा लेते हैं और इसकी इस पिन पे क्या करते हैं, जैसे चिमटी से टच करते हैं तो टच करने से आपके मोबाइल फोन में सिंबल आएगा और चला जाएगा। अगर इस पिन में टच करने से सिंबल आएगा चला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पे जम्पर मारना पड़ेगा। लेकिन ये जम्पर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे मदरबोर्ड में कहीं दूसरी जगह पर 2.8 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो आप रजिस्टर को यहाँ पर लगा देंगे, मतलब जम्पर मार देंगे, वहां से उठा करके यहाँ पर जम्पर मार देंगे। अगर मान लिया तुमको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको बैटरी कनेक्टर से लेकर के यहाँ तक जम्पर मारना पड़ेगा, लेकिन तुमको बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, अगर आप चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस में इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो तुमको यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट निकले वो कम से कम 1.8, 1.9, 2.8 इतना वोल्टेज निकलना चाहिए बैटरी कनेक्टर के प्लस लाइन से लेकर के यहाँ तक जम्पर मारना पड़ेगा, और जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 2 से लेकर 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 2 से 3 किलो ओम का, जैसे रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फिर लाइन तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा और तुम्हारा चालू हो जाएगा हेडफोन। कुछ मोबाइल फोन को, जो वीवो को मोबाइल फोन आते हैं, उस वीवो को मोबाइल फोन के अंदर दिखा रहे हैं, एक ये दिखा, एक तुमको यूआई वाला दिखा दें,
अब जब खोल दिए तो भाई 28 गोल हो गए। देखो सर ये तुम्हारा हेडफोन के लिए पूरा यूआई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है, ये लिखा इनपिन, ये इनेबल पिन है तुम्हारी। कौन सी पिन है? इनेबल। ये माइक का पिन है, ये तुम्हारा एंट्री जाएगा। क्या है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सबको? ये तुम्हारा हैंड फ्री का, ये तुम्हारा इनेबल पिन है। कौन सा पिन है? हाँ, ये हैंड फ्री का जो इनेबल पिन होता है, हैंड फ्री का जो इनेबल पिन होता है, इस इनेबल पिन के लाइन के आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। यहाँ तो जो सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाने के बाद क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस के बाद सप्लाई आगे जाएगी। क्या जाएगी? आगे जाएगी, यूआई पे चली आएगी। ये रेजिस्टेंस जो तुम्हारा लगा है, ये हो सकता है इसकी का नॉर्मल वैल्यू हो, 1 किलो ओम तक का हो, या तो फिर वो 20 किलो ओम तक का भी हो सकता है। इसमें डायोड नहीं लगा, मतलब खाली लाइन में रेजिस्टेंस ही लगा था। डायोड पैरेलल में लगा होता वो नहीं लगा है। यहाँ से जब पत्ता लग जाएगा, पत्ते तो सप्लाई ऊपर आ जाएगी, किसमें आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ये पत्ता दिख रहा है? ये देखो तुम्हारी हेडफोन की लाइन है, ये देखो ये हेडफोन की लाइन है। स्पिन पे आएगी, स्पिन से होते हुए आगे जाएगी, जिसमें ई आई एन टी लिखा होता है। ये भी हेडफोन की इनेबल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? हेडफोन। हेडफोन का मतलब होता है ईयरफोन इनेबल लाइन। तो ये जब यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पर जाएगी, इसके लाइन में देखेंगे कोई रेजिस्टेंस लगा है, नहीं लगा। अब इसकी सप्लाई कहाँ जा रही है? देखो इसकी सप्लाई सीधे सीपीयू पे डाल दिया कंपनी ने। कहाँ डाल दिया हुआ है? अब हेडफोन को जो इनेबल लाइन है कहाँ से आ रही है? सीपीयू से आ रही है। अगर कल को तुम्हारे मोबाइल फोन में सीपीयू भी खराब हो जाता है, सीपीयू मिस हो जाता है, तब भी मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन जाता है। लेकिन वीवो का मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बनता ही नहीं। हेडफोन घुसेड़ दो, सिंबल नहीं बन के आएगा, लेकिन हेडफोन की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन पर फिर हमको सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पर पूरा ऑडियो सेक्शन बंद हो जाता है। हेडफोन सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा ऑडियो बंद हो जाएगा। जब पूरा ऑडियो बंद हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन पर आपने लाइन को चेक कर लिया, जैसे वो पहले यूआई में रेजिस्टेंस लगा था। अब वो रेजिस्टेंस कहाँ लगा? यूआई पे लगा है ना। तो अगर मान लो उस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती तो तुम पूरा यूआई का यूआई चेंज कर सकते हो। जब यूआई चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस खराब है, ये तो जैक खराब है, जैक खराब हो जाए, रेजिस्टेंस खराब होगा, जब पूरा यूआई चेंज होगा तो पूरा सब कुछ सही हो जाएगा ना। फिर उसके बाद सप्लाई ऊपर बोर्ड पे आ जाएगी। अब बोर्ड से होते हुए सीधे कहाँ लाइन जा रही है? सीपीयू पे जा रही है। कोई रेजिस्टेंस लगा है? कोई कंपोनेंट लगा है? नहीं लगा है। जब कोई कंपोनेंट नहीं लगा तो क्या करना पड़ेगा? तो सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसकी लाइन कहाँ पर आ रही है? सीपीयू से आ रही है। तो इसकी लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैंने आपको हेडफोन का लाइन मैंने बताया है। अब मैं तुमको एक हेडफोन का लाइन टाइप सी वाला भी दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? जिसमें टाइप सी चलता है। क्या कह रहे हो? ओप्पो, ठीक है। कहाँ पर है? आइए, ये
देखो इसमें पूरा पत्ता ही लगा है, क्या लगा है मतलब यूआई का पूरा सिस्टम क्या दिया हुआ, पत्ता ही दिया हुआ है देखो। इसमें तो जो ये तुम्हारा यूएसबी 1 2 है, ये तो हमारे डीपीडीएम है, कौन सा है, ये डाटा प्लस माइनस यही हैंडफोन का काम करता है। देखो यही फास्ट चार्जिंग का काम करता है। देखो इधर इधर देखो, ये तुम्हारा यूआई जैक है, कौन सा है, नीचे से लेकर ऊपर पत्ता यहां तक लग जाता है। जब नीचे से लेके पत्ता यहाँ पर लग जाता तो ये देखो तुम्हारा दो पिन दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ, sub 1 sub 2, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, DPDM दिया हुआ है। अब ये sub 1 sub 2 की पिने जो होती है यहां से जा रही हैं, और यहां से जाने के बाद ये कनेक्शन है, दिख रहा है, ये sub 1 और ये क्या लिखा हुआ है sub 2। उसके बाद यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पिने आ रही हैं, कौन थी, DPDM, कौन थी, DPDM, DPDM का मतलब डाटा प्लस डाटा माइनस, वो भी लाइन कहां से चल रही है, यहां से चल रही है। उसके बाद हाँ, ये तुम्हारी ऑडियो आईसी नहीं लगी है, ये तुम्हारी जो आईसी लगी है, इस आईसी को हम लोग बोलते हैं कि ये आईसी या तो एक बार में यूएसबी लेती है या तो एक बार में हेडफोन लेती है। अगर आप डाटा केबल लगाते हो तो यूएसबी मोड चलता है। देखो अगर आप देखेंगे तो इसी आईसी पे से ये देखो दोनों लाइनें आ रही हैं, और इसी आईसी पे तुम्हारी डाटा प्लस डाटा माइनस लाइनें आ रही हैं। एक ही आईसी पे दोनों सर्किट आ रहा है। उसके बाद दोनों सर्किट यहां से होने के बाद फिर ये कहां जा रहा है, ऑडियो आईसी को जा रहा है, किसको जा रहा है, अगर ये ऑडियो आईसी से सप्लाई आएगी तो ये इसको चली जाएगी, जिससे तुम्हारे मोबाइल फोन में हेडफोन काम करेगा। अगर तुमने डाटा केबल लगा दिया तो DPDM आएगा, DPDM आएगा तो फिर तुम्हारा यूएसबी पे चला जाएगा। अगर तुमको DPDM देखना है तो DPDM का लाइन अलग उसमें चार्जिंग में प्रेजेंट करेगा। देखो ये देखो आ रहा है, अभी देखना इसका लाइन आगे चार्जिंग में दिखाएगा, देखना मैं चार्जिंग डाटा का PDF खोलता हूं। वही सेम आई थी, ये देखो ये देखो तुम्हारा DPDM आ गया, ये DPDM यहां से जाएगा, और DPDM से होते ही हुए ये नीचे आएगा, इस पे आया, उसके बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर तुम्हारा सप्लाई कहां पर जाएगा, CPU IC पे जाएगी और पावर IC पे जाएगी। CPU IC पे इसलिए जाएगी ताकि आपके मोबाइल फोन में USB का कनेक्शन होगा, और पावर IC पे इसलिए जाएगी ताकि आपके मोबाइल फोन में से फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होगा। देखो ये चला गया, फिर DPDM गया, वही DPDM, ये देखो तुम्हारा CPU पे गया, किस पे गया, CPU पे इसलिए गया USB के लिए गया, और चार्जिंग पे इसलिए गया फास्ट चार्जिंग के लिए गया, ठीक है। अगर कल को तुम्हारी ये चार्जिंग IC खराब हो जाती तो आपके मोबाइल फोन में USB कनेक्शन भी बंद हो जाएगा। देखो ये देखो ये डाटा प्लस डाटा माइनस, ये डाटा प्लस डाटा माइनस काय के लिए है, USB, ठीक। और ये sub 1 sub 2 काय में यूज होता है, हेडफोन में यूज होता है, किसमें यूज होता है, हेडफोन में यूज होता है। ये बाकी तुम्हारे चौथा नंबर ये वाला होता है तो ये काय का होता है, चार्जिंग का होता है, किसका होता है, चार्जिंग का होता है। इसके लिए पूरा पत्ता लगा है, अगर कल को काम करना बंद कर देगा, इसमें देखोगे ये माइनस होगा, ये माइनस है, ये वी बस है, ये वी बस है, इसमें ये डाटा प्लस है, डाटा माइनस है, ये sub 1 है, ये sub 2 है, इससे हेडफोन चलेगा, इससे चार्जिंग होगा, इससे USB चलेगा। मतलब एक ही लाइन में तीन कनेक्शन डाल दिया है, USB डाला है, चार्जिंग डाला है, हेडफोन डाला है। अगर इसमें से खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें तो पूरा यही चेंज होता है।
इसमें पूरा पत्ता लगा हुआ, पूरा पत्ता चेंज हो जाएगा, नहीं तो जैक भी चेंज हो जाएगा, जैक यहाँ तो सोल्ड भी, पत्ता अलग भी हो जाएगा। इसका लिखो रिपेयरिंग टिप्स। रिपेयरिंग टिप्स में नंबर ले लो। रिपेयरिंग टिप्स में नंबर लिखो, हैंड फ्री जैक को साफ या रिसोल्ड करें, हैंड फ्री जैक को साफ या रिसोल्ड करें। अगला पॉइंट लिखो, अगला को हैंड फ्री जैक या यूआई को चेंज करें। लिख लिया, यूआई को चेंज करें, ठीक है। अगला लिखो, हैंड फ्री के डिटेक्शन लाइन को चेक करें, हैंड फ्री जैक के डिटेक्शन लाइन को चेक करें। लिख लिया, हैंड फ्री के डिटेक्शन लाइन को चेक करें। अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया, हैंड फ्री के डिटेक्शन लाइन को चेक करें। अगला लिखो, डिटेक्शन लाइन में डिटेक्शन लाइन में 20 किलो ओम या 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। डिटेक्शन लाइन में 20 किलो ओम या 47 किलो ओम, बीस किलो में 47 किलो का रेजिस्टेंस लगा होता है। हाँ हो सकता है, लेकिन मोस्टली 20 या 47 मिलता है। अगला लिखो, हेडफोन के डिटेक्शन पिन को Okay.
हेडफोन के डिटेक्शन पिन को, हेडफोन का जो डिटेक्शन पिन होता है, लिख लिया हेडफोन के डिटेक्शन पिन को, ग्राउंड से टच करें, टच करें, हेडफोन के डिटेक्शन पिन को ग्राउंड से टच करें। अगर हेडफोन के डिटेक्शन पिन को ग्राउंड से टच करेंगे तो सिंबल हट जाएगा। अगर सिंबल हट जाता तो हम लोग ग्राउंड से उसको जोड़ देते हैं। लिख लिया। अगला देखो, हैंड फ्री के डिटेक्शन पिन में हेडफोन के डिटेक्शन पिन में 1.8 से 2.8 वोल्ट हेडफोन के डिटेक्शन पिन में 1.8 से 2.8 वोल्ट सप्लाई को चेक करें। लिख लिया, हेडफोन के डिटेक्शन पिन को 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट सप्लाई को चेक करें। लिया हेडफोन के डायरेक्शन पिन में 1.8 से 2.8 वोल्ट सप्लाई को चेक करें। अगला पॉइंट को, डिसेबल हो जाती है, मतलब हेडफोन बंद हो जाता है। देंगे कैसे? अब ये तुमको डायग्राम से कहीं दूसरी जगह से 1.8 वोल्टेज लाने पड़ेंगे, 1.8 2.8 वोल्टेज लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाते तो डीसी मशीन दे दो, ग्राउंड से करके दे दो। या नहीं है डीसी मशीन दे देना तो तुमको क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस के माध्यम से देते हैं, या तो चिमटी लेते हैं, चिमटी का एक पॉइंट वी बैट पर लगाते हैं। अब वी बैट से लगाने के बाद जैसे डिटेक्शन पिन को सप्लाई डालोगे तो फट से सिंबल चला जाएगा। अगर सिंबल चला जाता है तो तुमको 3.7 तो नहीं डालना। अगर लगातार 3.7 डालते रहोगे तो क्या होगा, मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप डाउन हो जाएगा और मोबाइल फोन गर्म भी होने लगेगा। पावर आईसी सप्लाई जा रही ना वो, तो इसलिए हम लोग 2.8 वोल्ट डालते हैं। अब 2.8 वोल्ट बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, या तो कहीं दूसरे सर्किट से जहां से 2.8 वोल्ट जनरेट होकर आ रही होगी वहां से हम लोग लगा देते हैं। अगर हेडफोन की समस्या आएगी तो आप इन सब चीजों को क्या करेंगे, चेक करेंगे, फॉलो करेंगे, रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड में बता दूं। जैक में से अगर आप चेक करेंगे तो जैक में से एक पिन जो आगे पहले वाली ग्राउंड देता है, क्या देता है, तो ग्राउंड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिटेक्शन होता है। मोस्टली ग्राउंड का अपोजिट क्या होता है, डिटेक्शन होता है। अगर मान लियो तुम्हारा डिटेक्शन लाइन में चेक करते हो तो ग्राउंड से चेक करने पर डिटेक्शन लाइन में कोई ना कोई रीडिंग आनी चाहिए। हाँ, ग्राउंड चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी, रीडिंग आने से पता चलेगा तुम्हारा लाइन क्या ओके है। अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो लाइन खराब है, लाइन खराब होगा तो आप क्या करेंगे, इसके लाइन में चेक करना पड़ेगा। इसके लाइन में जो सप्लाई आ रही है यहाँ से होकर एक डायोड पे आ रही है, किस पे आ रही है, डायोड के बाद ये रेजिस्टेंस लगा है। अब कहते सर ये रेजिस्टेंस कैसे पता चला तुमको, तो ये हम लोगों ने रजिस्टर को अभी सिमेट्रिक के माध्यम से देखा हुआ है, या तो कंपोनेंट को आप सिमेट्रिक के माध्यम से फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं सिमेट्रिक के माध्यम से फाइंड करना चाहते तो आप मल्टीमीटर के एक पिन को यहाँ रखोगे, दूसरे पिन से चेक करोगे तो यहाँ पर जो आसपास कंपोनेंट लगे बीप देंगे, तो बीप देने से तुमको समझ में आ जाएगा कि इसके लाइन का ये ट्रैक का कंपोनेंट है। आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे दोनों, हाँ दोनों पिनों में यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू नहीं आती तो लाइन ब्रेक हो गई है,
लाइन ब्रेक हो गई तो तुमको ये देखना है कि इसके लाइन में कौन सा कंपोनेंट ब्रेक हो गया है या कौन सा कंपोनेंट लगा है जो खराब हो गया है। तो इसके लाइन में कंपोनेंट तुमको देखने के लिए मल्टीमीटर का एक पिन को यहाँ रखना पड़ेगा, दूसरी पिन को लेकर के पूरे यहाँ पर सब जगह चेक करना पड़ेगा। जहां से चेक करने पर बीप आ जाएगा तो बीप आने से तुमको ये समझ में आ जाएगा इसके लाइन में ये कंपोनेंट लगा है। अब जब इससे चेक करेंगे फिर आगे चेक करेगा तो बीप देगा, फिर आगे चेक करेंगे तो आगे वैल्यू देगा या ग्राउंड से चेक करने पर वैल्यू देगा, तो इससे समझ में आ जाएगा ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा है। अगर ये एक तरफ से चेक करने पर वैल्यू दे देता, दूसरी तरफ से ग्राउंड से चेक करने पर बीप दे देता, तब तो ये कंपोनेंट पैरेलल में हो जाएगा। तो सप्लाई इधर से आएगी, इधर से आगे जाएगी, आगे जाने का काम तो खत्म हो गया। अगर आगे तुमको वैल्यू मिलते हुए चली जाएगी तो आगे सप्लाई आ जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा कल को ओपन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो भी आपके मोबाइल फोन में से हेडफोन का सिंबल आएगा। ऐसे आप डिटेक्शन लाइन को क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो सप्लाई को फिल्टर करके आगे ले जाता है, लेकिन जो सीरीज में कंपोनेंट लगा होता है सप्लाई को आगे पास करके ले जाता है। क्या करता है, सप्लाई को पास करता है। अगर सीरीज में कोई भी चीज खराब हो जाएगी तो इससे क्या होता है, हमारा लाइन ब्रेक हो जाती है। और पैरेलल में कोई चीज खराब हो जाती है तो इससे क्या रहता है, लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है। भाई लाइन दो कंडीशन पर आगे नहीं जाएगी, या तो शॉर्ट हो जाएगी तो आगे नहीं जाएगी, या तो आगे। भाई एक पाइप है, एक पाइप में अगर पानी का रास्ता बंद कर दोगे तो पानी आगे नहीं जाएगा, या तो आगे कहीं छेद कर दोगे तो पानी वही निकल जाएगा तो भी आगे नहीं जाएगा। तो दोनों सिचुएशन होती है। अगर लाइन कोई सीरीज में लगा है तो उसको बोलते हैं ब्रेक करना, और अगर मान लो कोई पैरेलल में लगा हो तो पैरेलल से क्या हो जाता है, लाइन शॉर्ट हो जाती है, जिससे सप्लाई वही खत्म हो जाती है, आगे जाने का काम ही खत्म हो जाता है। एक साइड ग्राउंड से बीप देगा तो पैरेलल हो जाएगा, ग्राउंड जो ट्रैक से चेक करने पर बीप देगा, दूसरी साइड से चेक करोगे ये तो बीप देगा, ये तो ग्राउंड से चेक करने पर वैल्यू देगा वो, तो सीरीज हो। दोनों माइनस नहीं होते, वो ट्रैक से बीप देंगे, दोनों बीप यहाँ अपना ट्रैक में चेक करोगे तो यहाँ से बीप आएगा, फिर आगे भी बीप आएगा, वो लाइन लाइन बीप दे रही ना, ग्राउंड से चेक करने पर थोड़ी ना दे रहा है। हाँ कोई भी रख सकते हो, लाइन चेक करने के लिए चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा।